नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलकर बनाएंगे ये फ्लावर मटरी जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, एकदम क्रिस्पी होती है और बनाने में भी आप इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो ये रेसिपी खास आपके लिए है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है और आप इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं एक महीने तक, और चाय के साथ या किसी गेस्ट के आने पर सर्व करेंगे तो आप बहुत तारीफ सुनने वाले हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कप मैदा और एक कप गेहूं का आटा मिक्स करके मैंने लिया है। आप चाहें तो दो कप गेहूं का आटा या दो कप मैदा से भी बना सकते हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच ही अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल डाला है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मोयन बहुत अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। जब ये इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे, मतलब कि मोयन सही से बना है, पड़ा है आटे में, और हमारा मटरी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो लगाएंगे। तो अभी मैंने एक कप पानी लिया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आगे कि कितना पानी इसमें लगा है। तो बिल्कुल हार्ड हमें डो बनाना है इस तरह का। तो इस तरह का डो बनाने में मुझे 3/4 कप पानी लगा था। 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम फिर से इसे एक बार मिक्स करेंगे। मटरी हमें फ्लावर शेप की बनानी है तो थोड़ी सी हमें इसे सॉफ्ट करनी होगी, मसलकर, तभी फ्लावर अच्छे से बना पाएंगे। तो चार भाग में मैंने डिवाइड कर लिया डो को। अब एक भाग को हम बॉल बनाकर इसकी मोटी सी शीट बेलेंगे, जैसे नॉर्मल निमकी के लिए हम बेलते हैं उसी तरह का, लेकिन थोड़ी मोटी रखनी है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इस तरह की मटरियां बनाकर आप उन्हें दें शाम के टाइम में तो वे बहुत खुश हो जाएंगे। और हमें अक्सर इसी तरह की चीजें बनाकर रखनी ही होती हैं। तो करीब आधा सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम मैंने इसकी थिकनेस रखी है। अब इसे इस तरह के किसी छोटे ग्लास या कटोरी या कुकी कटर की सहायता से राउंड शेप में काट लेंगे और जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम अगली बार यूज करेंगे। अब आप देखिए किस तरह से मैंने इसके फ्लावर्स बनाए हैं। चाकू से कट लगाना है। एक दो मटरी बनाने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्दी जल्दी ये काम कर सकेंगे और बच्चों को दे दें तो वो बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे इसे बनाने में और बिजी भी रहेंगे मोबाइल छोड़कर थोड़ी देर आपके साथ। बीच में मैंने थोड़ा सा कलौंजी चिपका दिया है ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये फ्लावर की तरह पानी की सहायता से। अब एक छोटे फोर्क की मदद से इसमें थोड़ा सा फ्लावर वाला टेक्सचर देने के लिए इस तरह से दाग किया है और एक एक पेटल को थोड़ा सा दबाकर नुकीला शेप दिया है ताकि ये बिल्कुल ही फ्लावर की तरह दिखने लगे। तो ये मैंने पूरा डिटेल में दिखाया है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये फटाफट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है ताकि मटरी अंदर तक एकदम क्रिस्पी बने, और डालने के बाद तुरंत टच नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद सारी मटरियाँ तेल की सतह पर फ्लोट होने लगेगी, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। धीरे धीरे ये हल्की होकर खुद ब खुद ऊपर की ओर आ जाती है। तो हल्के हाथों से इसे पलट लें और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक उलट पलट करके सेक लें, फ्राई कर लें मटरी को। एक बार की मटरी फ्राई करने में 8 से 10 मिनट तक लग जाएगी, क्योंकि हमने मोटी मोटी मटरी बनाई है तो अच्छे से फ्राई होगी तभी ये काफी दिनों तक इसका सेल्फ लाइफ भी रहेगा और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये मटरी बनकर तैयार है। इसे निकालकर टिश्यू पेपर पर रख देंगे और सारी मटरियां मैंने यहाँ पर बना ली है। आप इसे चाय के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक यू।